क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ियों के पाकिस्तान आने के फैसले के बाद पीसीबी ने तीसरे वेन्यू पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में होने वाले 8 मैचेस लाहौर और कराची में शेड्यूल है। व्यूअर्स, तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का इजलास चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि PSL 4 की इफ्तिताही तकरीब 14 फरवरी 2019 को दुबई में होगी। PSL गवर्निंग काउंसिल ने इवेंट के चौथे सीजन के आखिरी 8 मैचेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कराने पर अतफाक किया, जबकि फाइनल 17 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरी जानब बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा आगाह कर दिया है। व्यूअर्स, केवी क्रिकेटर कोलिन मुनरो और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी कोलिन इंग्राम पाकिस्तान आने को तैयार है। दोनों गैर मुल्की खिलाड़ी टीम कराची किंग का हिस्सा है। डीजे ब्रावो भी पाकिस्तान आकर खेलने का ऐलान कर चुके हैं। सुनील नारायण भी पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार हैं। व्यूअर्स, बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात पर इत्मीनान का इजहार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची और लाहौर के बाद तीसरे वेन्यू पर भी गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। वाजह हो कि अभी तक पाकिस्तान में होने वाले 8 मैचेस लाहौर और कराची में शेड्यूल हैं, जिनमें से 5 मैचेस लाहौर जबकि 3 मैचेस कराची में होंगे, जिनमें PSL का फाइनल मैच भी कराची में होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।